हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। आज हम इस वीडियो में बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। बीएससी के फर्स्ट ईयर के आपके जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उसके लिए मैंने आपका अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, उसमें आप बाकी के पेपर चेक कर सकते हो। तो इसमें आपके दो सेक्शन है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। पहले सेक्शन पर आपको 8 में से 5 क्वेश्चन करने हैं और दूसरे सेक्शन में आपको इंटरनल चॉइस दे रखी है। तो एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। पहला आपका दे रखा है कि द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल एटम एंड ज्योमेट्री ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। तीन आपके पास है, IF7, BCl3 और SF6। IF7 की आपकी जो हाइब्रिडाइजेशन रहती है वो रहती है sp3d3, और जो ज्योमेट्री होगी वो होगा पेंटागोनल बाइपिरामिडल। BCl3 का क्या होगा? sp2, और जो ज्योमेट्री रहेगी वो होगा ट्राइगोनल प्लेनर। SF6 की रहती है आपकी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2। नेक्स्ट आपके पास है, एक्सप्लेन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट ग्रुप एल्कली मेटल्स इन पीरियोडिक टेबल। एल्कली मेटल्स की आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज बतानी है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या बताओ गया? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी हो गया, एटॉमिक रेडियाई, आयोनिक रेडियाई, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इसके आपको सब ट्रेंड बताने, अप टू डाउन क्या होता है, लेफ्ट टू राइट क्या होता है, सब आपको इसमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है, प्रेडिक्ट विच एलिमेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज हायर आयोनाइजेशन एनर्जी एंड वाई। आपको बताने दोनों में से किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। तो एक एक करके देखते हैं। बेरिलियम बोरॉन का है, तो बेरिलियम पे देखो, आपको अगर हम इसको कॉन्फ़िगरेशन करें तो बेरिलियम होता है आपका 4 और बोरॉन का होता है आपका 5 एटॉमिक नंबर। तो बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 1s2 2s2 होगा, बोरॉन का करोगे तो 1s2 2s2 और 2p1 होगा, ठीक है। तो बेरिलियम पे देखो, इसमें आपके फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉन है, एस ऑर्बिटल है, और बोरॉन पे देखो इसमें आपका एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ फुली फिल्ड होने की वजह से बेरिलियम की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो बोरॉन से ज़्यादा होगी। सेकेंड है हमारा नाइट्रोजन और कार्बन पे हमें देखना है। तो नाइट्रोजन कार्बन पे देखो, नाइट्रोजन आपका 7 होता है, कार्बन आपका 6 होता है, तो इसमें आपका लास्ट ऑर्बिटल क्या होगा? 2p3, ठीक है। और इसमें आपका जो कार्बन पे रहेगा वो रहेगा 2p2। तो ये आपका क्या है? हाफ फील्ड, तो इसकी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी रहेगी देन कार्बन। तो इसलिए नाइट्रोजन की क्या होगा, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी आपकी ज़्यादा होगी देन कार्बन। नेक्स्ट आपके पास है नियॉन और फ्लोरीन। तो नियॉन आपका क्या है? नोबल गैस एलिमेंट है, देयरफॉर इसकी ऑलरेडी क्या होगा? आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा रहेगी देन फ्लोरीन। नेक्स्ट आपके पास क्या है? राइट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। दो आपके पास है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर और दूसरा आपके पास है ऑफ बॉ प्रिंसिपल। दोनों में आपको नोट्स लिखने हैं। तो पहला आपका है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर में क्या लिखोगे आप? पूरा डिस्कस करोगे डी ब्रॉगली वेवलेंथ से रिलेटेड, लैम्डा इक्वल्स टू h/mv, सभी आपको बताना है इसमें। दूसरा ऑफ बॉ प्रिंसिपल पे आपको बताना पड़ेगा इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल, ठीक है, और हो गया n+l रूल, ये सब आपको इसमें एक्सप्लेन करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है ड्रॉ द शेप्स ऑफ sp and d ऑर्बिटल्स इंडिकेटिंग द साइन ऑफ फंक्शन एंड द एक्सेस। तो शेप्स ड्रॉ करने हैं आपको sp और d ऑर्बिटल्स के, ठीक है। बताओगे स्पेरिकल हो या डम्बल शेप है, और d ऑर्बिटल्स में आप डिफरेंट एक्सेस में जो बनते हैं हमारे, dz² हो गया, dxy हो गया, dyz हो गया, dzx हो गया, या dx²y² हो गया, ये सब आपको इसमें बताना है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है एक्सप्लेन द फॉलोइंग एटॉमिक रेडियाई एंड आयोनिक रेडियाई, और दूसरा है आपके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई में ट्रेंड बताने हैं आपको, अप टू डाउन क्या होता है, लेफ्ट टू राइट क्या होता है, डेविएशन कैसे देखने को मिलते हैं, ये सब आपको इसमें बताना है। तो सिमिलरली आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में डेफिनेशन बतानी पड़ेगी, एग्जाम्पल देने हैं आपको इसमें भी, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है डिस्कस द इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट की डेफिनेशन बतानी है क्या होती है, इसमें आपका ऐसे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन पे पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो ये सब आपको बताना है। एग्जाम्पल दोगे आप, एग्जाम्पल आप दे सकते हो पी ब्लॉक का, कि आपका PCl5 फॉर्म होता है पर NCl5 फॉर्म क्यों नहीं होता, तो ये सब आपको इसमें बताना पड़ेगा। नेक्स्ट आपके पास है गिव द सलाइन पॉइंट ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, हाउ डज द वैलेंस थ्योरी अकाउंट फॉर द बॉन्डिंग इन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। सबसे पहले तो आपको पोस्टुलेट बताने VBT के, 3-4 पोस्टुलेट है, वो सब बताओगे आप, कोवेलेंट बॉन्ड से रिलेटेड, ठीक है, पैरेलल स्पिन से रिलेटेड कि एंटी पैरेलल होनी चाहिए, ये सब, और साथ में बताने आपका हाउ डज वैलेंस थ्योरी अकाउंट फॉर द बॉन्डिंग इन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में आपको VBT से बताना पड़ेगा, कैसे बताओगे कि आपके पास H2 मॉलिक्यूल रहता है, हाइड्रोजन में आपके 1s पे एक इलेक्ट्रॉन रहेगा और दूसरे 1s पे आपका एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, और दूसरा हाइड्रोजन एटम में भी ऐसे ही होगा, एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन आपके अपोजिट स्पिन पे रहेंगे, ठीक है। तो ये आपके पेयर करेंगे, तो इससे आपका क्या फॉर्म होगा? H2 मॉलिक्यूल। तो ऐसा आपको बताना पड़ेगा, साथ में आपको एक्सप्लेन भी करना है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट आर द मेन पोस्टुलेट ऑफ वेस्पर थ्योरी, हाउ डज दिस अकाउंट फॉर द ज्योमेट्रीज ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। पोस्टुलेट बताने आपको वेस्पर थ्योरी के, 5-6 पॉइंट आपको देने पड़ेंगे इसमें, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, रिपल्शन से रिलेटेड, ये सब, और साथ में आपको ज्योमेट्रीज बतानी है दोनों मॉलिक्यूल्स की। सबसे पहले आपके पास SF4 है, तो ज्योमेट्री क्या होगी इसकी?
ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ये आपका sp3 रिहाइब्रिडाइजेशन है इसकी, ठीक है। और दूसरा है आपके पास वाटर, वाटर पता है आपको sp3 रहेगा, टेट्राहेड्रल शेप रहता है, ज्योमेट्री होगी, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज इट डिपेंड, हाउ डज इट वेरी इन पीरियड एंड ग्रुप इन अ पीरियोडिक टेबल। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डेफिनेशन बतानी है आपको, यहाँ किन फैक्टर्स में डिपेंड करता है, पीरियड और ग्रुप में क्या होता है, अप टू डाउन क्या होगा, लेफ्ट टू राइट क्या होगा, ये सब आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। लॉन्ग आंसर पे तो इसमें आपको ज़्यादा लिखना पड़ेगा, साथ में आपको एग्जाम्पल भी देने हैं। टेंथ है आपका राइट डाउन द स्क्रॉन्डिंजर वेव इक्वेशन एंड एक्सप्लेन द टर्म्स इन इट, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर। तो स्क्रॉन्डिंजर वेव इक्वेशन क्या होती है वो आपको बता देता हूँ मैं, ठीक है। कैसे बताओगे, वी स्क्वायर साई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई अपॉन डी वाई स्क्वायर डी स्क्वायर साई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल्स टू जीरो। तो ये रहती है आपकी कुछ स्क्रॉन्डिंजर वेव इक्वेशन। आपको साथ में से बोला है कि आपको बताना है एक्सप्लेन द टर्म्स इन इट, आपको टर्म्स भी बतानी कौन कौन सी क्या क्या है। तो साई क्या है आपको पता है, ये आपका वेव फंक्शन है, ठीक है। एम क्या है आपका मास है इलेक्ट्रॉन का, ई क्या है आपकी टोटल एनर्जी, वी क्या है आपका पोटेंशियल एनर्जी है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। एच हो गया आपका प्लैंक्स कांस्टेंट, ये सर। और डेल्टा क्या होगा आपका जो स्मॉल चेंज आ रहा है, ठीक है। और साथ में क्या लिखा है आपको, सिग्निफिकेंस ही बताना है साई और साई स्क्वायर का। तो साई स्क्वायर आपको पता है क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, आपको एक्सप्लेन करना है पूरा। और साथ आपका जो साई है ये आपका क्या है, एम्पलीट्यूड है, किसका वेव का आपका एम्पलीट्यूड है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिस्कस द फोर क्वांटम नंबर्स, चार आपको क्वांटम नंबर्स बताने हैं, कौन कौन से होते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया, एजीमुथल हो गया, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हो गया और स्पिन क्वांटम नंबर हो गया। तो आपको इसका डेफिनेशन बतानी है। नेक्स्ट है आपके पास राइट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, सबसे पहले आपके पास है रेडियस रेशियो इफेक्ट, दूसरा आपके पास शॉर्टकी एंड फ्रेंकल इफेक्ट और तीसरा आपका डायगोनल रिलेशनशिप। तो रेडियस रेशियो इफेक्ट में क्या बताओगे, इसमें आपको सबसे पहले तो आपको डेफिनेट वो फॉर्मूला लिखना है, रेडियस रेशियो क्या होता है, रेडियस ऑफ द कटायन अपॉन रेडियस ऑफ द अनायन, ये लिखोगे। इसके बाद बताओगे इसके रूल्स कि आपको ऐसे बताना पड़ेगा कि 0.155 या 0.225 के बीच में अगर ये होगा तो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 रहता है, 0.225 या 0.414 के बीच में होगा तो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहेगा, 0.414 या 0.732 के बीच में रहेगा तो ये आपका 6 होता है, और इससे ऊपर रहेगा 1 तक तो ये आपका रहेगा 8। तो 3 में आपका क्या होता है, प्लेनर ट्राइंगुलर रहेगा, 4 में होगा टेट्राहेड्रल, 6 में होता है आपका ऑक्टाहेड्रल और 8 में आपका रहता है BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तो ये सब आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट आपके पास शॉर्टकी एंड फ्रेंकल पूछा है, तो शॉर्टकी फ्रेंकल में क्या करोगे, डेफिनेशन देनी है शॉर्टकी में क्या होता है आपके, जिसमें आपके इक्वल नंबर ऑफ कटायन से एनायन मिस होते हैं लैटिस साइड से। फ्रेंकल में क्या होगा आपके, यूजुअली क्या होता है कटायन मिस आउट होते हैं लैटिस साइड से और इंटरस्टिशियल साइड में चले जाते हैं। दूसरा क्या बता सकते हैं पॉइंट इसमें, कि डेंसिटी जो शॉर्टकी इफेक्ट की वो डिक्रीज करती है और फ्रेंकल की आपकी डिक्रीज नहीं करती है क्योंकि आपकी इंटरस्टिशियल साइड पर होते हैं। और तीसरा आप एग्जांपल दे सकते हो इसमें, एग्जांपल क्या दोगे शॉर्टकी का, CSCL हो गया, NaCl हो गया, AgCl हो गया। और फ्रेंकल डिफेक्ट में दे सकते हो आप सिल्वर हैलाइड्स का एग्जांपल, AgCl आता है जिसमें, इस टाइप के आप एग्जांपल आप इसमें दोगे। नेक्स्ट आपके पास डायगोनल रिलेशनशिप, डायगोनल रिलेशनशिप में आप एल्कली मेटल से बता सकते हो, जैसे हो गया आपका लिथियम और मैग्नीशियम के बीच में हो गया रिलेशनशिप, या बोरॉन या सिलिकॉन के बीच में हो गया। तो इस टाइप के इसमें बता सकते हो कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ दोनों की लगभग सेम है, तो ऐसा आपको इसमें बताना है, ठीक है। तो ये थे आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर। होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।